हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं अंडा कड़ी। पहले हमने ले लिया है बॉईल अंडे और हमें ना इसे चारों तरफ से ऐसे हल्के से निशान लगा देना है ताकि वो मसाला अंदर तक जा सके। बहुत हल्के से लगाइए, टूटना नहीं चाहिए आपके अंडे, इतना हल्के से लगाना है। मैंने ले लिया है कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए बॉईल अंडे हमें तल लेना है। बहुत ध्यान से तलिएगा, ये टाइम पे बहुत चांसेस रहते हैं आपके अंडे फूट जाए या टूट जाए ना। बहुत ही धीमी आंच में अंडे तले हैं। चलिए, अंडे तल के रेडी है, हमें इसे निकाल के साइड में रख लेना है। कढ़ाई में हमने डाल लेना है प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसे हम अच्छे से कर लेंगे सॉटे। भी जाएगा तेज पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची। आप इसमें काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, मुझे काली मिर्ची उतना टेस्ट नहीं देती है इसमें तो मैंने नहीं डाला है। और इसे भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें डाला है 1 बड़ा टमाटर, मैंने 1 ही लिया है। अगर वो मीडियम साइज़ के हो तो आप 2 ले सकते हो, मेरे पास बड़ा वाला था तो मैंने 1 ही डाला है। और इसे भी हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। को इसे 10 सेकेंड सॉटे करना है। जब आप ना सॉटे करते रहे तो ना आपको ना एक स्मेल आएगी, वो जो दालचीनी की रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। ये देखिए, हमारे टमाटे हो गए हैं नरम और इसका कलर भी हो गया है चेंज। ऑफ करते हैं और इसे साइड में निकाल लेते हैं। इसे अब हम कर लेंगे ग्राइंड। ये गरम गरम पीसा है, आप इसे चाहे तो ठंडा हुए बाद भी पीस सकते हैं। हमें सेम कढ़ाई ले लेना है और अभी मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून तेल और हमें इसे अच्छे से गरम होने देना है। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें डाल लेंगे टमाटे और प्याज का मिक्सचर। 2 मिनट तक आपको अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट होके रेडी है। ये हमने डाल लेना है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और इसे भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। हमने डाल लेना है इसमें बॉईल अंडे। बहुत ही आराम से हमें अंडे इसमें मिक्स कर लेना है।
ध्यान से करिएगा, अंडे टूटने के बहुत चांसेस रहते हैं। एक मिनट के लिए अच्छे से इसे पकाना है। हमने डाल लेना है इसमें एक कप पानी। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। से 7 मिनट तक हमें इसे पकाना है। चाहे तो ये टाइम पे आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। भी डाल लेना है कस्तूरी मेथी। पुदीने के पत्ते। देखिए हमारी अंडा कड़ी बनकर तैयार है। गैस कर दीजिए ऑफ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे रोटी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।